नमस्कार, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखते हैं आवाज समाचार, शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। हंगामे के बीच बिहार में आरक्षण 50 से बढ़ाकर 65% हुआ। विधानसभा से आरक्षण संशोधन विधेयक पास, ईडब्ल्यूएस को मिलाकर कोटा पहुंचा 75% पर। वीकली एक्सपायरी के दिन दायरे में रहा बाजार, सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ हुए बंद, लेकिन बैंक निफ्टी ने मामूली बढ़त पर खत्म किया कारोबार। दीपावली के मौके पर आवाज पर जुटे बाजार के दिग्गज रामदेव अग्रवाल, मनीष चौखानी, मधु केला ने दिए निवेश के गोल्डन टिप्स। एमपी एमएलए के खिलाफ केस का जल्द हो निपटारा, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को निगरानी करने के दिए आदेश, स्पेशल बेंच बनाने के निर्देश, कहा जरूरत देखकर हाईकोर्ट खुद ले सकता है संज्ञान। महुआ मोइत्रा की सांसदी पर लटकी तलवार, लोकसभा से निकालने के लिए एथिक्स कमेटी ने स्पीकर से की सिफारिश, चार विपक्षी पार्टियों ने जताया ऐतराज। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए प्लेन से कराई जाएगी कृत्रिम बारिश, आईआईटी कानपुर के प्रस्ताव पर विचार कर रही है दिल्ली सरकार, सुप्रीम कोर्ट में रखा जाएगा प्रस्ताव, स्मॉग का संकट बरकरार। बिहार विधानसभा में हंगामे के बीच आज आरक्षण का दायरा बढ़ाने वाला बिल पास हो गया। जाति सर्वे के बाद नीतीश सरकार बिहार में आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% करने के लिए बिल लेकर आई थी, जो अब पास हो गया है। अब बिहार में कुल आरक्षण कोटा 65% हो जाएगा। इसमें 10% ईडब्ल्यूएस कोटा जोड़ने के बाद कुल आरक्षण 75% हो जाएगा। बिल पास होने से पहले विधानसभा में विपक्षी विधायकों ने नीतीश कुमार के आपत्तिजनक बयान पर जमकर हंगामा किया। वहीं अपने बयानों को लेकर नीतीश कुमार इन दिनों विवादों में हैं और आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी को लेकर भी एक अजीब बयान उन्होंने दे दिया। उन्होंने कहा कि उनकी मूर्खता की वजह से जीतनराम मांझी मुख्यमंत्री बने। सुनिए। कुछ आइडिया है? ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं, ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। बैठ जाए, जाए। हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। अध्यक्ष महोदय, भाग के चलाया था सात पार्टी में। अध्यक्ष महोदय, अभी हम जान करके भगा दिए उधर। अध्यक्ष, क्या उधर रहिए? इसीलिए हम कहेंगे बात हो गई है, सब समर्थन कर रहे हैं। सुन लीजिए, बता रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। सारे लोग समर्थन कर रहे हैं, और कोई सेंस है क्या? मुख्यमंत्री था ये, तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने नीतीश कुमार पर पलटवार किया है। जीतनराम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार का दिमागी संतुलन अभी ठीक नहीं है। हमको लगता है कि मानसिक संतुलन वो खो बैठे हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, एक बार बार कहते हैं हमने तुमको मुख्यमंत्री बनाया। देहात में कहा जाता है कि भले भैया सिर मुड़ाती है, उसको दोह में चुचुअट होती है, कीड़ा काटता है तो वो सिर मुड़ाता है। उसी प्रकार से नीतीश कुमार 2014 में हार गए, सब लोग कहने लगा नीतीश कुमार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अपनी लाज बचाने के लिए एक सीधा साधा आदमी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। जीतन मांझी को उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया था, समझ लिया था कि ये तो भुइयां मुसहर का परिवार है, हम जो कहेंगे वो करेगा। सांसदों विधायकों के खिलाफ चल रहे केस मुकदमों पर सुप्रीम कोर्ट ने आज हाईकोर्ट को मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि सभी ट्रायल कोर्ट्स के लिए एक गाइडलाइन बनाना मुश्किल है, लेकिन गंभीर मामलों का जल्द निपटारा होना चाहिए। डिटेल समझते असीम मनचंदा से। बताइए असीम, क्या डिटेल निर्देश हैं कोर्ट के? सुप्रीम कोर्ट में एमपी एमएलए से जुड़ी एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में कहा गया था कि देश भर में
5000 से ज्यादा एमपी एमएलए के खिलाफ मुकदमे लंबित हैं। इन मामलों में तेजी लेकर के आई जाए और जो गंभीर मामलों में सजा याफ्ता एमपी एमएलए हैं वो चुनाव ना लड़ सके, इस पर सुप्रीम कोर्ट किसी तरह की डायरेक्शन दे। सुप्रीम कोर्ट ने आज इसको लेकर के अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसको लेकर के कोई भी यूनिफॉर्म गाइडलाइंस लेकर के नहीं आ सकते, लेकिन उन्होंने हाईकोर्ट को निर्देश दिए कि हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो सुओ मोटो इसमें इन मामलों की सुनवाई करें, जब भी जहां भी कोई गंभीर मामला हो उस मामले में सुनवाई ना टाली जाए, ये सुनिश्चित किया जाए। इतना ही नहीं, जो सेशन कोर्ट के जज हैं या फिर ट्रायल कोर्ट के जज हैं उनसे लगातार वो अपडेट लेते रहे ताकि मामलों को जल्दी से जल्दी निपटारा किया जा सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हर बार तारीख पर तारीख एमपी एमएलए को नहीं मिलेगी और खासतौर पर उनके मामलों का निपटारा जल्द से किया जाएगा। शुक्रिया असीम। और सवाल के बदले कैश मामले में महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता जाने पर की नौबत आई हुई है। दरअसल संसद की एथिक्स कमेटी ने 6-4 से महुआ मोइत्रा के निष्कासन के लिए एथिक्स कमेटी में प्रस्ताव पास कर दिया। इसके बाद अब कल रिपोर्ट आगे की कार्रवाई के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भेजी जाएगी। टीएमसी के नेता अभिषेक बैनर्जी का कहना है कि बीजेपी सांसदों के खिलाफ विशेषाधिकार उल्लंघन के कई मामले लंबित हैं। उन्होंने कहा कि महुआ मोइत्रा इस मामले को हैंडल करने में सक्षम है। देखिए, एथिक्स कमेटी में बहुत सारे प्रिविलेज ड्यू है। आपने देखा 1.5 महीना पहले जब नई पार्लियामेंट की 4 दिन का सेशन बुलाया गया, वहां बीजेपी का सांसद रमेश बिदुड़ी किस तरीके से किस अपशब्द का यूज किया और किस तरीके से वो पार्लियामेंट का गरिमा, सदन का गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। और बीजेपी के ऐसे बहुत सारे सांसद हैं जिनके खिलाफ प्रिविलेज मूव किया गया है, वो ड्यू है, उसका सुनवाई नहीं होती है। मुझे लगता है कि महुआ मोइत्रा इज कॉम्पिटेंट इनाफ टू फाइट अ बैटल ऑन हर ओन। और अब बात करते हैं दिल्ली के प्रदूषण की। दिल्ली में स्मॉग बढ़ता ही जा रहा है और दिल्ली वालों को जहरीली हवा से राहत नहीं मिल रही है। लोग सांसों के लिए मोहताज है। AQI अभी भी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली का आनंद विहार, अशोक विहार, भवाना, द्वारका, ITO सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में टॉप पर है। केजरीवाल सरकार लगातार बैठकें कर रही है। वहीं सरकार दिल्ली में कृत्रिम बारिश पर भी विचार कर रही है और इसको लेकर एक मीटिंग भी IIT कानपुर के वैज्ञानिकों के साथ हो चुकी है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का कहना है कि सरकार पूरी कोशिश में लगी है कि प्रदूषण किसी तरह से कम हो। इसके लिए कृत्रिम बारिश से लेकर दूसरे उपायों पर चर्चा हो रही है। वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण पर कैबिनेट सचिव ने एक बैठक की जिसमें प्रदूषण से प्रभावित लगभग सभी राज्यों दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव शामिल हुए। इस बैठक में कैबिनेट सचिव ने यह निर्देश दिया है कि पंजाब में पराली जलाने संबंधी घटनाओं को तुरंत रोका जाए, क्योंकि 8 नवंबर को वायु प्रदूषण में 38% योगदान पराली का पाया गया है। इसके बाद कैबिनेट सचिव ने यह कहा कि पंजाब ये सुनिश्चित करे कि पराली ना जले। अगर 40% मिनिमम 40% अगर क्लाउड होता है, बादल अगर होते हैं आसमान में, तो वो बारिश करा सकते हैं। और उन लोगों का एक अनुमान है कि शायद 20-21 के आसपास बादल थोड़े होंगे, तो उस समय वो पायलट जो है वो करने के लिए तैयार हैं। तो उनसे हमने डिटेल रिपोर्ट आज मांगा है और अगर आज वो दे देते हैं तो हमारी कोशिश है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने भी उसको प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत तरह के परमिशन चाहिए। तो कैसे होती है कृत्रिम बारिश? आखिरकार आर्टिफिशियल रेन क्या चीज़ है? कैसे इसको किया जाता है? इसके क्या फायदे होते हैं? बता रहे हैं रोहन सिंह जी। क्लाउड सीडिंग या आर्टिफिशियल रेन, अगर बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो ये एक तरह की बनावटी बारिश है। यानी कि एटमॉस्फेयर में बारिश के जो अनुकूल परिस्थितियां हैं वो नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से बारिश कराई जाती है। ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि क्लाउड सीडिंग कराई जा रही हो। इससे पहले भारत में ही 30 से ज्यादा बार प्रयोग किए जा चुके हैं और इसकी अगर सक्सेस रेट की बात करें तो लगभग 60-70% इसकी सक्सेस रेट है जब वो बारिश करवाने में सफल रही है। महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में ऐसी कई बार
कोशिशें की जा चुकी हैं सूखे से निपटने के लिए, लेकिन ऐसा पहली बार होगा कि प्रदूषण से निपटने के लिए आर्टिफिशियल रेन का इस्तेमाल किया जाएगा। और 22 नवंबर के आसपास जब ऐसी परिस्थितियां बनेंगी तो फिर आर्टिफिशियल रेन कराई जाने की कोशिश की जाएगी और उम्मीद की जा रही है कि बारिश के साथ जो प्रदूषण के कण है वो भी नीचे आ जाएंगे और आसमान जो है वो साफ हो जाएगा। अब ये आर्टिफिशियल रेन होता कैसे है, तो सबसे पहले एक विमान के जरिए कुछ खास तरह के केमिकल बादलों के पास ले जाए जाते हैं। कौन से केमिकल होते हैं, तो सिल्वर आयोडाइड होता है, ड्राई आइस होता है और इसके साथ ही कुछ खास तरह के नमक होते हैं जो बादलों में छोड़े जाते हैं। इनकी वजह से जो बादल हैं वो काफी ज्यादा कंडेंस्ड हो जाते हैं और वो बूंदों का रूप ले जाते हैं और इसके साथ ही बारिश हो जाती है। ये फॉर्मूला अपनाया जाता है और प्रदूषण से निपटने के लिए ऐसा माना जा रहा है कि ये जो तरकीब है ये खासतौर पर कारगर होने वाली है। और अब बात करते हैं मार्केट की। आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में दायरे में कारोबार रहा। सेंसेक्स 143 अंक गिरकर 64,832 पर बंद हुआ। निफ्टी 48 अंक गिरकर 19,395 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी रियल्टी, ऑटो, पीएससी शेयरों में रही। वहीं एफएमसीजी, आईटी और फार्मा शेयरों पर दबाव देखने को मिला। और अब कुछ दिवाली स्पेशल। एमके वेंचर के फाउंडर मधु केला का कहना है कि इस समय इंफ्रा कंपनियां काफी बेहतर लग रही हैं। साथ में आने वाले समय में चाइना प्लस वन थीम से भारत को काफी फायदा होगा। यहां से किसका उद्धार होगा, आप किस पर बेट ले रहे हैं बड़ी? तो अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल्स जहां पे क्लियर विजिबल, सो वी आर बेटिंग ऑन अ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज बिकॉज दिस इज बीन अ bad word for last 15 years between 2008 and 2020-22. Lot of companies got comeback कर रही है। Lot of balance sheets have significantly improved, I think. Order pipelines, we spoke about it even when we met last time, so we continue to be invested there. I am a big believer in the manufacturing China plus, and the other word which I have coined is Europe plus. बिकॉज ये क्या है यूरोप, ये यूरोप प्लस ये अनुज की, मैं जितनी कंपनीज में इन्वेस्टेड हूं ना वो बोल रहे अभी यूरोप से मैन्युफैक्चरिंग इज एक्चुअली शिफ्टिंग टू इंडिया। वेल्थ क्रिएशन की बड़ी थीम समझाने के लिए दिवाली के खास मौके पर इनाम होल्डिंग्स के डायरेक्टर मनीष चौखानी ने हमसे खास बातचीत में कहा कि वैल्यूएशन के लिहाज से लार्ज कैप से ज्यादा सेफ्टी है, इसलिए निवेशक इसमें निवेश कर सकते हैं। आपका भी ये व्यू है क्या कि अब यहाँ से लार्ज कैप्स का टाइम आ गया है एक बार के लिए? सी एवरीथिंग अल्टीमेटली इज इन द प्राइस। और मेरे काफ़ी फ्रेंड हैं जो फॉरेनर्स हैं और पिछले साल में ऑलमोस्ट 20-25 बिलियन उन्होंने बेचा, तो 2020-21 में उन्होंने 20-25 बिलियन डाले, फिर उसके अगले साल में 20-25 बिलियन निकाले और उसके बाद वापस 20-25 डाले और अब क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो वापस निकाल रहे हैं। एंड कॉमन सेंटेंस आता है कि इंडिया में वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव है। वैल्यूएशन वाइज आई थिंक लार्ज कैप में सेफ्टी है, मिड कैप में काफ़ी उछाल आ गया है और जो आगे के डिस्काउंटिंग है वो एग्जीक्यूशन रिस्क भी है, कुछ भी थोड़ा भी सेटबैक हुआ तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी वहाँ कम लगता है। और अब कुछ खबरें विधानसभा चुनाव की। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। एक तरफ पीएम लगातार दूसरे दिन मध्य प्रदेश में रैली कर रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश के बाद पीएम राजस्थान भी पहुंचे। सबसे पहले आज पीएम मोदी मध्य प्रदेश के सतना पहुंचे जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। एक तरफ मध्य प्रदेश के लोगों को घर देने की गारंटी दी, दूसरी तरफ कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के झूठ के गुब्बारे की हवा निकल गई है और आपने देखा है ना, जब गुब्बारे की हवा तेजी से निकलती है तो वो कैसे लड़खड़ाता है, शोर मचाता हुआ इधर उधर जाता है। वैसे ही हारते हुए कांग्रेस के नेता इधर उधर भागते हुए अब सिर्फ शोर ही शोर मचा रहे हैं।
कांग्रेस के पास एमपी के विकास का कोई रोड मैप नहीं, और इसलिए कांग्रेस के थके हारे चेहरों में यहां के युवाओं को कोई भविष्य नहीं दिखता है। मध्य प्रदेश में क्या है चुनावी माहौल, क्या इस बार सरप्राइज करेगा मध्य प्रदेश? आज चुनाव अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। स्वागत है आवाज समाचार में। धनतेरस और दिवाली के मौके पर बाजार सज चुके हैं, मिट्टी के दिए, रंग बिरंगी लाइटिंग और डेकोरेटिव सामान की जमकर खरीदारी भी हो रही है। इस त्योहारी सीजन में लोकल वोकल फॉर लोकल अभियान पर लोगों का कितना ध्यान है, देखिए दिल्ली के सदर बाजार से दीपाली नंदा की ग्राउंड रिपोर्ट। धनतेरस और दिवाली के मौके पर बाजार पूरी तरह से सज चुके हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के सदर बाजार में और आप यहां पर देख सकते हैं हर तरफ आपको धनतेरस और दिवाली की रौनक दिखाई देगी और लोग जो यहां पर आ रहे हैं वो इस वक्त शॉपिंग कर रहे हैं। रंग बिरंगी लाइटों की, दिया, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति और जो घर सजाने के लिए फूलों की आर्टिफिशियल फूलों की माला होती है उसकी यहाँ पर अच्छी खासी डिमांड दिखाई दे रही है। हम लाइट्स लेने आए हैं और ये माला वगैरह ले रहे हैं डेकोरेशन के लिए। अच्छा ये बताएं भैया, हमारे प्रधानमंत्री ने बोला था वोकल फॉर लोकल कि जो इंडिया की चीज इंडिया में बनी हो आप वही खरीदे, क्या आप इस बार उसको अप्लाई कर रहे हैं? सहमत तो हैं उस चीज से और उसको थोड़ा सा देख भी रहे हैं, बट थोड़ा सा ही आ जाता है कि रेट में ना बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। मैं खरीदने को जहाँ की चाहिए कि जो हमारे बन रहा है वहाँ की खरीदो। चाइना का माल आता है, कई बार गड़बड़ हो जाता है, खराब हो जाता है, ना जूस होता ना बेकार जाता है। कुछ चीजें चाइना की अच्छी भी निकल जाती है, कुछ खराब भी निकल जाती है। तो यहाँ पर लोगों का मिक्स रिएक्शन मिल रहा है। किसी का ये मानना है कि चाइनीज आइटम जो भारत में बनी हुई मैन्युफैक्चरिंग है उसके मुकाबले सस्ती मिलती है, तो किसी का ये कहना है कि चाइनीज आइटम की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। तो मिक्स रिएक्शन यहाँ पर त्योहारों के मौके पर दिखाई दे रहा है। हालांकि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की माने तो धनतेरस और दिवाली के मौके पर इस बार पूरे देश भर में 50,000 करोड़ रुपए के कारोबार होने की उम्मीद है। दीपाली नंदा, दिल्ली। आपने गौर किया होगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लाल रंग के बही खाते में बजट पेश करती हैं। असल में सदियों पहले से भारत के व्यापारी दिवाली के दिन बही खातों का पूजन करके अपना कारोबार शुरू करते आए हैं। कंप्यूटर के जमाने में क्या आज भी व्यापारी बही खाता खरीदता है, ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। कंप्यूटर के जमाने में भी आज देश के लाखों व्यापारी है वो दीपावली के दिन इसी बही खाते में श्री सवा लिखकर अपने व्यापार की शुरुआत करते हैं। अभी कैसा है पूरे देश में माहौल, ये जानते हैं नरेश भाई से जो कि 3 पीढ़ी से इसी बही खाते बनाने के कारोबार में है। नरेश भाई बताइए, लोगों में कितना उत्साह है, क्या व्यापारी अभी भी बही खाते के जरिए है वो अपना पूजन करके व्यापार की शुरुआत करते हैं, कैसा माहौल है? कंप्यूटर युग आने से मैं जानता हूं कि 50% कुछ कम हुआ है जीएसटी आने से, कंप्यूटर आने से, पर भी हिंदू व्यापारी एक दो चौपड़ा लेके भी चौपड़ा पूजन लक्ष्मी पूजन करते हैं। तो गुजरात के हमारे मार्केट में करीबन 100 करोड़ का ये दीपावली के खाता भी बहियों का इसका टर्नओवर है, और मैं जानता हूं वहां तक 3-4 करोड़ नंग जो बिके जाते हैं, खाता भी भैया बिके जाती है। और गुजरात से करीबन सटे हुए बाजू के प्रदेश है जैसे महाराष्ट्र है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, दिल्ली जा रहा है, तो ये सब प्रदेश में भी यहां से डट्टा है, कैलेंडर है, खाता वही है, भैया जो पुरानी हाथ से बनावट वाली भैया है, और ये मुस्लिम कारीगर जो अहमदाबाद के बहुत कारीगर है जो ये चौपड़े बनाते हैं। बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं कि भले ही जमाना कितना भी आगे बढ़ गया हो लेकिन ये परंपरा आज भी व्यापारियों ने जारी रखी है। केतन जोशी, अहमदाबाद। पिछले साल संवत 2079 में मनी कंट्रोल के टॉप दिवाली पिक्स ने एक साल में करीब 30% के जोरदार रिटर्न दिए हैं। इस साल संवत 2080 के लिए भी एक्सपर्ट्स ने 8 निवेश रत्न चुने हैं। आपको भी जानना है कि कौन है वो निवेश रत्न, तो सब्सक्राइब करें मनी कंट्रोल प्रो, साथ ही उठाएं 200 रुपए के कैशबैक का फायदा।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एक बार फिर से आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। जुड़े रहिए CNBC आवाज से, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।